मैं तो खुल के बोला माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के बारे में, अशोक चौधरी जी के बारे में। अशोक चौधरी बीजेपी के संपर्क में है, वो सभी पार्टी के संपर्क में रहते हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, लेकिन निष्ठा उनका नहीं है, निष्ठा उनका अपने लिए है। हम कहाँ सेट हो जाए, हमारी कहाँ व्यवस्था बन जाए, परिवार कहाँ सेट हो। परिवार से जब भी कभी भी कोई व्यक्ति छोड़ के बाहर जाता तो फर्क पड़ता है। षड्यंत्र है कि कुछ लोग माननीय नेता को गुमराह करते हैं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी में अडिग हैं और डील वाली बात को लेकर बार बार कह रहे हैं कि राजद बताएं, और जदयू से उसका जवाब मांग रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं आज उन्होंने ये भी कह दिया है, लगातार पार्टी पर सवाल खड़ा करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि हम जदयू का सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी नजर आए, कहें कि अगर पार्टी हमें अगर 5 रुपये वाला कार्यकर्ता भी बनाता है तो हम इस चीज़ में शामिल रहेंगे। इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से MLC हैं रामेश्वर महतो। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नाराज चल रहे हैं, कभी पार्टी में हिस्से की मांग करते हैं, अब तो कल उन्होंने ये भी कहा था कि जदयू जो है शरद यादव की पार्टी है, अब नया बयान है कि 5 रुपये वाला कार्यकर्ता भी अगर पार्टी बना देती है तो हम स्वीकार करेंगे। आप तो मुलाकात की उनसे, आखिर क्या बात हुआ है? देखिए, मैं आज मुलाकात करने गया था 10 बजे, मैंने उनसे पहले समय मांगा था तो उन्होंने मुझे आज का डेट दिया था, मैं आज गया था उनके पास। तो मेरा बेसिकली यही उनसे आग्रह था कि आप पार्टी में बने रहें, जिस भी स्थिति में रहें पार्टी में रहें। माननीय नेता नीतीश कुमार जी हम लोगों के सभी बातों को सुनते हैं, उस बात को आप रखें और 1-to-1 उनसे आप बात करें और जो भी समस्या है उसका समाधान हो, और हम सब लोग मिलजुल के जैसे पहले हम लोगों ने सोचा था जब वो पार्टी में आए थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनसे जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सब लोग मिलजुल के पार्टी को 1 बनाएंगे और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग काम करेंगे, बिहार में 40 के 40 सीट लोकसभा को जीतेंगे और माननीय नेता को दिल्ली के गद्दी पे बैठाने का काम करेंगे। उसी सब बातों को लेके मैं आज उनसे मिला था। मैंने कहा कि हम लोग पार्टी में मजबूती से नेता के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बने रहें, जो भी आपकी बात है आप नेता से मिल के करें, इसी पर चर्चा हुई। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उनके हमने ये कहा कि मिल के बात करें, लेकिन यहाँ पे आप ही के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तो ये भी कहा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आने वाले 19 या 20 फरवरी को वो अपने साथी के साथ बैठक करेंगे ताकि पार्टी कैसे मजबूत किया जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ये कहते हैं कि उनके साथ जो बैठे उस पर कार्रवाई होगी। मैंने सुना नहीं इस बयान को, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ पोलिटिकल पार्टी हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो या समाज ही हो, जोड़ने से बढ़ता है, तोड़ने से नहीं बढ़ता। हम एक एक करके जोड़ते हैं तो लकीर बनती है, लोग जुड़ते हैं तो आगे काम होता है, तो जोड़ने का काम होना चाहिए। मेरा प्रयास है कि ये जुड़ा रहे, लेकिन जोड़ने का काम हो नहीं रहा है। रामेश्वर जी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब उनको हम मानते ही नहीं है कि वो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो नहीं बोलते मानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो बैठक में हिस्सा लेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, तो आखिर ये जो घमासान है आखिर कैसे? मुझे ये दोनों बात आप ही के माध्यम से पता चल रहा है, क्योंकि मैंने खुद से दोनों बात कहीं बयान सुना नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा प्रयास है कि नेता हम लोगों के सर्वमान्य नेता पार्टी में नीतीश कुमार जी हैं, जिनमें मुझे आस्था है और मैं उन्हीं के विचारधारा को मान के राजनीति में भी आया था और आज राजनीति में हूँ तो उनके विचारधारा को मानता हूँ। सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मैंने यही आग्रह किया कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, समाधान यात्रा से वापस आते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमसे बात ही नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी, तो यही बात हुई थी कि आप फोन करें या बात करें। 15 तारीख को जैसे आते हैं मुख्यमंत्री जी तो समाधान यात्रा पे भी हैं, आते हैं तो एक बार मिलके बात करें और किस तरह से जो है ना इस सारी समस्या का समाधान हो, हम लोग मिलजुल के काम करें। इसीलिए वो डील को लेकर सवाल कर रहे हैं लगातार, आखिर क्या डील हुआ है बताने का बात करते हैं कि हमें जदयू बताया कि राजद की तरफ से क्या डील हुआ है। मैंने भी सुना नहीं ये बात, मुझे उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये बात कह रहे हैं होगा, लेकिन मैंने सुना नहीं, मुझे मालूम इस बारे में मुझे मालूम। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो अब जी आप जदयू के MLC हैं, आप ही के पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा वरिष्ठ नेता हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि जदयू के जो कई बड़े नेता हैं बीजेपी के संपर्क में हैं। बिल्कुल कहते हैं तो सही होगा, वो कहते हैं तो जरूर कुछ संपर्क में होगा, लोग तो इधर उधर करता ही रहता है। हमारे नेता ईश्वर जी को क्या लगता है संपर्क में है बीजेपी के जदयू के नेता बीजेपी में? जरूर होंगे संपर्क में, हैं भी, होंगे भी। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग उनके लिए काम करते हैं। कुछ लोग माननीय नेता से अपने आप को करीबी बताते हैं और दूसरे पार्टी में भी अपना लॉ लगा के रखते हैं, सेटिंग गेटिंग करके रखते हैं, ऐसे लोग। मैं तो खुल के बोला माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के बारे में,
एक आदमी के बारे में तो मैंने खुद चौधरी बीजेपी के संपर्क में है, वो सभी पार्टी के संपर्क में रहते हैं, उनका माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, लेकिन निष्ठा उनका नहीं है, निष्ठा उनका अपने लिए है, हम कहाँ सेट हो जाए, हमारी कहाँ व्यवस्था बन जाए, परिवार कहाँ सेट हो, उनको कोई लेना देना नहीं है कि जदयू परिवार कैसे आगे बढ़े, जदयू कैसे आगे बढ़े, उनका अपना रहता है। यही बात तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कहा जा रहा है कि वो केवल पार्टी में है लेकिन उनका जो है निगाहें हैं कहीं और है, और जो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमको झुंझुना पकड़ा दिया गया है पार्टी में बस एमएलसी के नाम पे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, इन दोनों को चाहिए कि बीच में बैठ के आपस में बैठ के चीज़ों को सलटाएं। मैं तो यही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी। मतलब ऐसा भी कयास लगा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को छोड़ देंगे? ऐसा कयास लगाया जा रहा था इसलिए तो मैं मिलने गया उनसे। आप जब मिले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा लग रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा काम है आग्रह करना, ठीक होगा इसकी तो मैं गारंटी नहीं कोई बात कह सकता, लेकिन आग्रह तो मैं कर सकता हूँ, आग्रह करने का तो मेरा अधिकार है। महागठबंधन से अगर निकलते भी उपेंद्र कुशवाहा कहीं और जाते हैं तो क्या महागठबंधन पे कोई फर्क पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर? अगर वो परिवार के जाते हैं तो। परिवार से जब भी कभी भी कोई व्यक्ति छोड़ के बाहर जाता है तो फर्क पड़ता है, कोई कहता फर्क नहीं पड़ता तो वो गलत है, फर्क जरूर पड़ता है जी। ठीक है, सवाल ये रहेगा कि आप महागठबंधन का बैठक हुआ राजद के प्रदेश कार्यालय में, पूर्णिया में एक जनसभा है, रैली है, क्या उस महागठबंधन में महागठबंधन से जो जनसभा किया गया आप वहाँ पे मतलब आपको भी बुलाया गया था या फिर आप लोगों को बताया गया था कि आज महागठबंधन का बैठक हुआ था, जिस तरीके से पूर्णिया में महारैली है, क्या उसका उद्देश्य क्या है आप बताएंगे? मेरे को इसका पता नहीं है। आपको मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? नहीं मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन आज तो राजद के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन का बैठक हुआ जिसको लेकर बताया गया कि पूर्णिया में जो है महारैली होगा और विपक्ष को कैसे एकजुट करना है, बीजेपी को कैसे हराना, इस चीज को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों का रहा होगा, उसमें हम लोग इनवाइटेड नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा से बस आखिरी सवाल रहेगा, आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों अडिग हैं और उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही पार्टी में, क्योंकि लगातार वो सवाल पे सवाल कर रहे हैं और उनको सब कोई नजरअंदाज कर रहा है, मुख्यमंत्री भी एक बार कह दिए कि वो स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जा सकते हैं, आखिर ऐसा दोहरा नीति क्यों उनके साथ हो रहा है? देखिए यही तो षड्यंत्र है, यही तो सारा समस्या का जड़ है, षड्यंत्र है कि कुछ लोग माननीय नेता को गुमराह करते हैं और सही को गलत और गलत को सही करने में लगे रहते हैं और इसी कारण से सारी समस्या है और सारी दुविधाएं हैं। मेरा प्रयास आखिरी तक रहेगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में ही बने रहें, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, मैं उसी का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना यही बता सकता। ठीक है, तो हमारे साथ रामेश्वर महतो है जो जदयू के एमएलसी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने आज मुलाकात भी किया और ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार से मिलकर बात करें और पार्टी में बने रहें। रामेश्वर महतो जी चाहते हैं कि परिवार से अगर कोई भी सदस्य अगर रुठता है तो उसको हम लोग मनाने का काम करते हैं, अगर महागठबंधन की जो बात यह कयास भाई लगाया जाए अगर उपेंद्र कुशवाहा कहीं और जाते हैं, इसको लेकर साफ तौर पर कहा जरूर अगर परिवार का कोई लोग जाता है तो ये हम कैसे भी नहीं कह सकते कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्क जरूर पड़ेगा। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार जो है बयानबाजी तेज है उसको लेकर रामेश्वर महतो ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के जो जदयू से ये बोला जा रहा है कि कई नेता संपर्क में हैं, अशोक चौधरी को लेकर बोल रहे हैं संपर्क में और कई जो है तमाम नेता जो भी सब संपर्क में हैं, लेकिन अब देखना यह हुआ कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ जदयू के जो माननीय मंत्री हैं और बिहार सरकार में मुखिया हैं नीतीश कुमार आखिर क्या उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, क्या नया कुछ आदेश देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, सहयोगी जैकी के साथ मैं विनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।